प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ये हमारे एक भाई का कमेंट था कि हज़रत मेरे होंठ पर काला तिल है तो इस तिल का क्या मतलब होता है, क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ नुकसान होगा या मेरी ज़िंदगी में बेहतर होगा, इसके ताल्लुक से क्या है। तो आइए हमारे भाई के कमेंट का जवाब हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी साहिब की किताब से मैं देता हूँ कि हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी साहिब ने इसके ताल्लुक से लिखा कि अगर किसी के होंठ पर काला तिल हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, तो ऐसे लोग बहुत ही फैयाज़ होते हैं, नहायत ही फैयाज़ होते हैं, बड़ी अच्छी आदत और अखलाक के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बेहतर से बेहतर माहौल में रहने की आदत होती है, यहाँ तक कि अगर किसी के लब पर काला तिल का निशान हो तो ऐसे लोग खुश अखलाकी और खुश मिजाजी की अलामत हुआ करते हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात करना, रिश्ते नाते जोड़ना, ये बहुत अच्छा होता है। इनके अंदर वफादारी और मोहब्बत निभाने की, ये मोहब्बत निभाने के अहल हुआ करते हैं। ये जिनके होंठ पर काला तिल होता है वो किसी के साथ कभी दगाबाजी नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों की मिजाज और तबीयत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में अच्छा ही फरमाता है। इनकी ज़िंदगी बड़े सुकून और अच्छे, बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरती है। ऐसे लोग बड़े ही वफादार और बहुत ही कामयाब और बड़े ही ज़हीन हुआ करते हैं।